प्रभात लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल के सबको मेरी तरफ से आदाब। डीसी साहब का बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम कि उन्होंने हमारे लिए, इस गरीब इलाके के लिए हमारा थोड़ा वक्त निकाला और हमारी जो मुश्किलें हैं उनको सुनेंगे। और हमें उम्मीद है कि शायद उन पर क्योंकि टाइम बहुत कम दिया है, उनको खसूसियात बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सर सिर्फ दो तीन बातें ही करूँगा इसके बाद। पहली चीज़ सर ये है कि यहाँ कल भरमौता में जो हुआ वहाँ मैं नहीं बोला इसलिए कि हमारे घर ही आना डी साहब ने, तो वहीं पर हम बात कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ का है सुकून का सबसे पहले, क्योंकि हम सुकून में बैठे हैं, सुकून का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो कहीं भी किसी सुकून की हमारी शिकायत नहीं है। स्टाफ कम है ज़रूर है, लेकिन वहाँ के जो हेडमास्टर साहिबान या बाकी हैं वो अरेंज कर लेते हैं। इस बात के बारे में हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त स्टाफ की बहुत मुश्किलें आ रही हैं। इधर से लाएंगे, उधर भेजेंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे, उधर से भेजेंगे वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जूलॉजी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन के लिए पीजी टीचर जो है, मास्टर या मास्टर या टीचर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जनाब ये डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट्स ऑफिसर इंचार्ज है, अगर उनको थोड़ा सा आप करेंगे बोलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो ये बात होगी स्टाफ की। सर दूसरी बात यह कि ये बिल्डिंग जो हमारी साथ वाली है, ऐसे ही उधर भी थी और ऐसे ही इधर भी थी, इसको डबल करके कुछ अकोमोडेशन बढ़ी है हमारी। अब आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि इसको अगर आप किसी महकमा को, पीडब्ल्यूडी या किसी और डिपार्टमेंट को देकर इसको डबल करवा देंगे तो हमारे 4-5-6 कमरे बढ़ जाएंगे, अकोमोडेशन बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है जनाब, ग्राउंड की फेंसिंग के लिए जनाब सपोर्ट्स वालों को अगर थोड़ा सा आप बता देंगे तो ये पूरा, एक तो ग्राउंड हमारे पास थोड़ा है जिसकी वजह से बच्चे खेलने के लिए आते हैं, बाहर की कोई कम्युनिटी ग्राउंड हमारे पास नहीं है क्योंकि लुहांग में जगह बहुत कम है सर, हम कम्युनिटी ग्राउंड के लिए बाहर कहीं बना नहीं सकते। तो इसके लिए ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये हो गई सर स्कूल की बात। दूसरा हमारा बहुत ज़रूरी काम जो है ये लुहांग टू बाग रोड है सर। लुहांग टू बाग ये बड़े मेरे ख्याल 10-12 साल से बन रहा है, पीडब्ल्यूडी के हाथ में है। तो हमारी गुजारिश रहेगी सर कि इसको PMGSY के तहत लाया जाए ताकि ये इसका कुछ बने। यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, मैंने कहा नहीं उधर नहीं इकट्ठे होना है, आप इधर आए यही बात करेंगे साहब से। तो इस रोड को जनाब लुहांग टू बाग जो है PMGSY वालों के ऑफिसरान से बात करके ये PMGSY में हो जाए जनाब तो इसका कुछ होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर तकरीबन 50-60 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल रोड से डिस्कनेक्ट हैं। इसके बाद जनाब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है यहाँ J&K बैंक की ब्रांच जो कि मंजूर भी हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर वो उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जगह देखने के लिए भी आए, बिल्डिंगें भी देखी, ये पिछले साल की बात है। तो यहाँ के लोगों ने भी बड़ी जदोजहद की उसके लिए, मान भी गए वो, लेकिन खुल नहीं रहा है सर इसके लिए। अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो हमारी ये दूसरा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हैं इनका काम जनाब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों का, इनका काम हर वक्त बैंक वालों के साथ है। अगर ये 150 रुपये दूसरे तीसरे दिन खर्च करेंगे बनी में जाकर, बनी से यहाँ आएंगे तो इनका वो सेल्फ ग्रुप थोड़ा चलेगा। ये तो छोटा होता है 20-30-50-100 रुपये लेकर बेचारे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, आप तो जानते हैं सब कुछ। ये बहुत ज़रूरी है जनाब J&K बैंक की ब्रांच की। तीसरा जनाब ये NTPHC है यहाँ पर, उसके लिए PMO बनी साहब ने 2-3 लेटर भी लिखे, ऊपर हमने लिखवाए उनसे कि यहाँ डॉक्टर भेजो है, पोस्ट भी है इनके लिए, लेकिन नहीं भेज रहे हैं सर। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि ये बहुत ज़रूरी करना है सर। आपने उधर माना था भरमौता में कि RTC बस जो है वो बनी से पठानकोट लगेगी, जब हम उसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहते हैं, जो बनी में बस आएगी वो सीधा लुहांग आए और सुबह यहाँ से निकले बनी के रास्ते होके पठानकोट चले, हमारा 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 भी काम हो जाएगा उससे, क्योंकि बनी में ठहरना है उसको तो वो लुहांग में ठहरे तो बहुत लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा उसको। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों का बहुत अच्छा काम चल रहा है सर। कम से कम मैंने अभी लड़की से पता किया
तो 20 लाख रुपए का काम जो है दो पंचायतों में इनका लेन देन चल रहा है, और पूरे इलाके का देखेंगे तो वो तो मेरे ख्याल में करोड़ों में जाएगा। बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो इनके लिए बैंक जो है इनके लिए बहुत जरूरी है, और बाकी लोगों के लिए बैंक की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यहाँ से किराया 30 रुपये हो गया 60 रुपये जनाब माना जाना, फिर खाना भी है उसके कुछ। एक गरीब आदमी अगर जाएगा बैंक में तो उसकी दिहाड़ी तो बेचारी खत्म होगी, इसलिए ये बैंक की बहुत जरूरी है बात है जनाब। तो इसके अलावा जनाब ये PDD का सब डिवीजन बसोली में है, अगर सब डिवीजन बसोली में ही रहे नहीं आ सकता है तो कम से कम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए तो कम से कम यहाँ सेंटर खोला जाए। किसी का किराया 2 महीने का उसने जमा करवा दिया लेकिन 4 महीने का उसका बकाया निकल गया कंप्यूटर की गलती की वजह से, अब वो यहाँ से बसोली जाएगा ठीक करवाने के लिए जनाब कितना नुकसान है गरीब आदमी। अगर सब डिवीजन नहीं खोलना है तो कम से कम रेवेन्यू कलेक्शन सेंटर तो होना चाहिए सर। इसके अलावा सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ तो मैं ये गुजारिश करूँगा जनाब भी उनको बोलें कि यहाँ एक रोड था सर बड़े पहले ज़माने में बना था सर्थल से ढगर तक, जो ये गुज्जर बकवाल अशी वगैरह ये चलते थे इस रोड पे ही चलते थे, उन्होंने घास चलाना होता था तो वो उस रास्ते से निकलते, उसके बाद इन्होंने बनाने के बाद उसको रिपेयर कभी हुआ ही नहीं। अगर उसको रिपेयर करें तो ये जो गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे इनको भी मुश्किल होती है, गाड़ी वालों को भी मुश्किल, उस रोड को अगर वो रिपेयर करवाएं सर्थल से ढगर को, क्योंकि उन्हीं का रोड है वो, तो वो भी वो उसके लिए भी हम गुजारिश करेंगे कि अगर हो जाए तो ठीक है। दूसरा जयपुर साहब ने जो है ये PMAY के मकान जो बन रहे हैं इनके लिए जो लकड़ी वगैरह बगैर किसी फॉर्मेलिटी है नहीं है थोड़ी है बहुत है ज़्यादा है जिस वक्त भी गए उन्होंने कर दिया, इनके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा जनाब बैक टू विलेज में स्कूल ग्राउंड बना था यहाँ सैली में, उसकी 50% हो गई है पेमेंट, लेकिन आज 4-5 साल हो गए उस पेमेंट नहीं हुई सर, उसके बारे में थोड़ा सा। लास्ट बात करूंगा सर मैं गन लाइसेंस की, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ बता, कुछ ना वो ऑनलाइन होते हैं और ना वो रिन्यू होते हैं, सिर्फ ये फीस जमा करवाते हैं तो बस वहीं के वही सर। अगर थोड़ा सा आप इसका लेंगे संज्ञान तो मेरे ख्याल में इन लोगों की मुश्किल, किसी वक्त उनको कहेंगे कि ये फेंक है इनको फेंक दो, वो कहाँ फेंकेंगे, इन्होंने पैसे खर्चे हैं, या तो DC साहब ने किए हैं या SDM साहब ने किए हैं या किसी ना किसी जिसको पावर थी उसी ने किया है, तो जनाब इसके बारे में थोड़ा संज्ञान लेकर। तो इसके अलावा सर आपकी बड़ी मेहरबानी बड़ा शुक्रिया, आप हमारे पास आए हमारी बातें सुनी, तो एक दो मसले हैं जो थोड़ा एप्लीकेशन बनाई लोगों ने, तो थोड़ा सा अलायदा से जनाब से जो बातें करनी हैं तो वो बाद में करेंगे। तो अगर और कोई है संजय जी और किसी ने बोलना है और